वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं आप देख रहे हैं विद एचएस और मैं हसनैन। आज मैं आपको बताऊंगा, ये जो लट्टू आप देख रहे हैं ये पूरा जंग से भरा हुआ है। तो ये अक्सर लोगों के घरों में लगा हुआ होता है और ये ख़राब हो जाता है। फिर लोग को परेशानी होती है कि इसको चेंज कैसे करें। ये देखें, ये बिल्कुल हम खींचेंगे ये हाथ में आ जाएगी। ऊपर की जो चादर है इसमें जो है ये लट्टू चेंज होता है, तो वो चेंज करके मैं आपको बताऊँगा। बहुत आसान है, आप पूरी वीडियो देखें तो आपको ये काम प्लम्बर से नहीं करवाना पड़ेगा, आप खुद कर सकेंगे। प्लम्बर जो है वो अक्सर अवेलेबल नहीं होते, इसकी वजह से घर के इतने सारे काम रुके हुए होते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप खुद ही इसको खुद ही कर मैं खुद से कर लें। ये इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये स्क्रू खोलें। अगर नहीं खोलेगा तो फिर ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है ब्लैक वाला, ये हमको काटना पड़ेगा और इसका स्पिंडल भी चेंज करना पड़ेगा साथ में। तो इसकी एक और टिप मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें एक टिप ये है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगी। अच्छा, हमने ये खोल लिया, हमारा तो आसानी से खुल गया। अगर आपका ये अगर स्क्रू सड़ गया हो तो आपको ये स्पिंडल भी पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये जो हिस्सा है जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा लट्टू के साथ, क्योंकि वो स्क्रू सड़ने के बाद फिर वो स्पंडल किसी काम का नहीं रहता। तो हम जो है इसको चेंज करके देखते हैं। ये लट्टू हम एक अदद मार्केट से ये मिल जाएगा आपको आसानी से। ये सेम कलर का भी मिल सकता है और बहुत सारे डिज़ाइन भी आते हैं इसमें। तो ये लट्टू हमने ले लेंगे और कोशिश करें कि इस ये लट्टू जो है ये ब्रास चादर के अंदर हो ताकि ये सड़े नहीं। और फिर ये जो स्क्रू है, स्क्रू ये इसके साथ आता है मेटल का। तो आप ये आज की टिप्स यही है, आज की जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि मैं एक टिप दूंगा, वो ये है कि आप इसको ब्रास का लगाएं ताकि ब्रास में होगा। ये ब्रास का स्क्रू आ गया। इसका आसान चेक करने का तरीका है कि इसको हम मैग्नेट लगा के चेक कर लें कि मैग्नेट चिपक तो नहीं रहा। ब्रास पे मैग्नेट कभी भी चिपकेगा नहीं। तो ये अगर आप लगाएंगे स्क्रू तो इसमें आप जब भी खोलेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। इसमें आपको लट्टू काटने की या स्पिंडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना ये ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है लट्टू का, ये स्क्रू की वजह से काटना पड़ता है। इसकी वजह से थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं ऐसी टिप्स दूं कि आपका खर्चा कम से कम हो और आप खुद से कर सकें। तो हम लट्टू लगाएंगे इसका ब्रास के स्क्रू के साथ। ब्रास का स्क्रू 10-20 रुपए का मार्केट से मिल जाता है। ये है कि अक्सर लोग 10-20 बचाने के चक्कर में बाद में 100-200 ऊपर खर्च करते हैं स्पंडल चेंज करने के चक्कर में, हालांकि उनका स्पंडल बिल्कुल ठीक होता है। तो ये हम लट्टू टाइट कर देंगे, इसका ये स्क्रू होता है। स्क्रू कोशिश करें कि ब्रास का होना चाहिए। अब ये स्क्रू इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको पहले स्क्रू लगाएंगे, उसके बाद लट्टू को टाइट करेंगे। तो इसमें दोस्तों ऐसी यूज़फुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। घर बैठे आप पूरे घर का जो बाथरूम वगैरह की एसेसरीज़ का जो काम है वो खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लट्टू हम लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से, और हल्के हाथ से टाइट कर दें ये, क्योंकि कहीं जाएगा नहीं। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो जब बाद में खोलना होगा किसी प्रॉब्लम की वजह से तो ये खुलने में थोड़ा परेशानी करेगा। ये टाइट करने के बाद इसके साथ एक अदद कैप आता है जिसको हम टिकली भी बोलते हैं आसान जबान में। ये टिकली, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर किसी की ये खो जाए तो, वो आप घर में खुद से कैसे बना के लगा सकते हैं, बहुत आसान है। ऐसी मज़ीद यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए चैनल। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।